अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्सो ऑफिशियल व्लॉग। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ फिल्म पाल करने के लिए एक नए सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले कुछ वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है। अगर एमसी स्टैंड के फ्लो में बोलूँ तो बहुत प्यार पब्लिक, बहुत प्यार, लव यू। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है लोन कंपनीज़ के ऊपर, जो बड़े बड़े छोटे छोटे लोन देकर हमारा खून चूसते हैं उनके ऊपर ये वीडियोस होने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों पर कैसे कैसे लोन पेंडिंग है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा और आप अपना हैंड ऊपर करेंगे कमेंट्स में। तो बच्चे लोग, सबसे पहले वो लोग हाथ उठाओ जिनके ऊपर गाड़ी का लोन पेंडिंग है, बाइक लोन है, कार लोन है, हाथ उठाओ। अरे माँ कसम, बहुत सारे लोग हैं यार। अच्छा चलो, अभी वो लोग हाथ उठाओ जिनके ऊपर कैश लोन है, कुछ पैसा वैसा लिया हो, लेकर खा गए हो या किसी चीज़ पे लगा दिया हो, है ना, हाथ उठाओ। है इसमें भी बहुत लोग हैं, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ है तुम लोग, हाँ सही है। अभी वो लोग हाथ उठाओ जिनके होम लोन है, होम लोन लिया है, घर बनाया है, हाथ उठाओ फिर। हाँ तो दोस्तों मैं ये अटेंडेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक तगड़ी रिक्वेस्ट आई एक दोस्त की, जिसके साथ स्कैम हुआ लोन को लेकर। तो उसने गाड़ी का लोन लिया था और एक दोस्त है जिसने पर्सनल लोन लिया था, उसके साथ पहले हो चुका है पर्सनल लोन वाले के साथ, लेकिन जिसने गाड़ी लिया है उसके साथ कल ही कुछ हुआ है। तो उसने मुझे अपना पूरी कहानी बता दिया और रिक्वेस्ट किया कि इनको पेल दो भाई। तो अभी मैं इन पर ही बात करने वाला हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा अगर किसी का लोन पेंडिंग है कुछ है। तो मैं अपनी भी बात बताऊँगा, मेरा खुद का लोन चालू है तो मैं आपको अपनी ही बात बताऊँगा, इसीलिए बात को गौर से सुनना। तो ये जो लोन कंपनीज है, बड़ी बड़ी लोन कंपनीज है, अगर मैं किसी का नाम लूँ तो जैसे टाटा कैपिटल है, होम क्रेड है, बजाज फाइनेंस है, और ये जो अभी गली गलियों में चल रहे हैं ना कि कुछ 5 मेंबर 10 मेंबर बनाने के बाद में आप लोन ले सकते हो एक सेफ्टी रीजंस की तरह, जैसे अगर 5 लोग मिलके लोन लेते हैं, एक गायब होता है तो 4 भर सकते हैं और 2 गायब होते हैं तो 3 भरना है उनका पैसा, तो ऐसा कुछ ये सब स्कीमें चल रही हैं। तो इनके लोन देने का ये कोई तरीका है। तो जितनी भी ये कंपनीज़ है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी कंपनीज़ है ये साले बड़ी आसानी से पहले तो आपको लोन दे देते हैं, है ना। आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, आपका सिविल स्कोर सही होता है, और कितने लोगों का तो स्टार्टिंग में सिविल स्कोर ख़राब ही नहीं होता क्योंकि वो लोग अभी अभी मतलब बड़े हुए होते हैं, जवान हुए होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा कुछ अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं किया होता है। तो उनको ये लोग ऑफ़र देते हैं, मैसेजेस, ये वो फलाना ढिमकाना, कैसा कैसा ऑफ़र देते हैं आपको तो पता ही है। उसके बाद ये लोग आपको लोन दे देते हैं और लोन देने के बाद में आपको तगड़ा इंटरेस्ट मारते हैं, 6% 60%, है ना, कोई कोई तो 10 तक का भी लेता है, वो उनका अपना तरीका है। पहले वो लोग आपको बोलते हैं, जैसे अगर आपको बोलेंगे कि मैं 5% लूँगा तो ये समझ के चलिए कि 60% लगने वाला है, वो बोलेंगे GST नारवड़ा लसून सर्विस टैक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं उसमें। फिर आपका जो कभी अगर आपका ड्यू चार्जेस लग जाता है, जैसे आप किसी एक महीने में देना भूल जाते हो, तो उसके ऊपर जो चार्जेस पे चार्जेस, तारीख पे तारीख, जैसे ये लगाते हैं ये लोग ऐसा सोचते हैं हमारे जैसा, हमारे पास तो कुबेर का खजाना है, हाँ कि निकाला इनको दे दिया। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लोन विन के चक्कर में मत पड़ो। हाँ अगर आप गाड़ी वाड़ी लेते हो और उसको सही तरीके से भर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, सही तरीके से भरने पर भी किसी के साथ में शॉर्ट हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं ज़रा इन कंपनीज से मुखातिब बोलूँ, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लोन देते हैं, क्यों करते हो यार ऐसा, क्यों करते हो गरीब लोग के साथ, हाँ क्या लगता है तुम लोग को कि तुम लोग मतलब पैसे पे पैसा मारते रहेंगे और उनको धमकी देंगे। ये लोग मालूम है क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमारा वकील तुमको देख लेगा, हमारे जो घर पे विजिट करने वाले हैं ना बॉडीगार्ड बाउंसर वो देख लेंगे। तो ये जो झाटू रिकवरी एजेंट आने वाले होते हैं ना, इनके बॉडीगार्ड जो आपको घर से निकाल के आपसे पैसा लेंगे, आपके हलक में हाथ डाल के आपसे पैसा लेंगे, अभी मेरा लौड़ा लेंगे तुम लोग, समझे। तो ऐसा है, ये लोग ऐसा आपको धमकी देते, एक बार मान लो मेरे को फ़ोन करके क्या बोलते,
हेलो आपका लोन बाकी है, एक लेडीज़ फ़ोन करती है, मैं ये फलाना पुलिस वाली बोल रही हूँ, आपका लोन बाकी है, 12 बजे तक पैसा दो नहीं तो तुम्हारा फाइल है ना आगे पुलिस स्टेशन में भेज रही हूँ। मैं पहले एक्टिंग किया, मतलब मैम नहीं नहीं मैम मेरे को बहुत तकलीफ़ है मैम, मेरा ऐसा ये महीने में थोड़ा ऐसा ऐसा लफड़ा है मैम, सैलरी नहीं आया मैम, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर जब मेरे को बस एनालाइज करना था, मेरे को समझना था कि ये असल में कोई बात कर रहा है या फिर फेक, और जैसे ही मुझे पता चला ना फेक है तो भाई वो लेडीज़ थी, लेकिन फिर भी मैं बोला तेरी माँ की छूत, चल छिनाल रख फ़ोन, मालूम है क्या वो भी BST बस में बोला, चार चीचा लोग ऐसा देख रहे थे क्या हो गया, तो बोला रख तेरी माँ की छूत फ़ोन रख बोल के फ़ोन काट दिया। उसके बाद क्या हो गया, हाँ एक और किस्सा, मेरे घर में ना भाई पानी का पाइप टूट गया, पानी का लाइन टूट गया, और हमारे इधर ना जो हमारे एरिया में रहते ना इनको मालूम है कि यहाँ पे पानी का कैसा सिस्टम, तो कैसा हो गया ना मेरे घर में पानी का पाइप टूट गया, 3 दिन से ना पानी की एक बूंद नहीं है घर में, हम लोग आजू बाजू में पड़ोसी लोग से ले लेके पीने का पानी ये वो एडजस्ट कर रहे, बाथरूम जाने के वांदे, और मैं ना प्लम्बर के साथ में ना फॉल्ट ढूंढने में लगा हूँ, मैं अपना काम धंधा छुट्टी करके वो पानी के पाइप का फॉल्ट ढूंढ रहा हूँ कि किधर पे फॉल्ट है, फॉल्ट भी नहीं मिल रहा था। अब मैं प्लम्बर की हेल्प कर रहा हूँ और यहाँ पे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा, सर आपका DO हो गया, आपका ये हो गया वो हो गया, और उस दिन गलती से उसने बोल दिया भाई मैं विजिट के लिए आया हूँ। मैं बोला भाई एक काम करो ऐसी ऐसी जगह पे आओ, उसके बाद वो आया भाई मेराज मईद के पास, और उसको उसकी माँ की चूत उसको जो लिड़ा लिड़ा के मारा हूँ ना मैं कसम खुदा की उसको लिड़ा लिड़ा के जो मारा हूँ ना, आज कोई झाटू अपने घर पर कदम नहीं रखता, एरिया में ही नहीं आता इसकी माँ की चूत। तो तुम लोग को एक एडवाइस देता हूँ, कोई भी झाटू अगर घर पे आके विजिट करने की बात किया ना कि रिकवरी एजेंट आ रहा हूँ, पकड़ के मारो लौड़े को, गिरा गिरा के मारो, खुंदल खुंदल के मारो लौड़े को, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, सही में खुंदल खुंदल के मारना झाटू को, मालूम है उसकी गलती नहीं रहती, वो कोई भी बेचारा रिकवरी का काम करता रहेगा, लेकिन मारो उसको तो क्या है ना दोबारा दूसरा कोई आदमी आएगा नहीं, जैसा मेरे केस में हुआ। और मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो गया ना कि उसने गाड़ी लिया था, उसने गाड़ी का लोन बराबर भरा, और बीच में क्या हो गया कि जो लॉकडाउन आया था ना अपना, उसमें वो भी बेचारा कुछ महीने का स्किप कर गया, ठीक है अभी कुछ महीने का स्किप कर गया, उसको लगा कि 2-4 महीना जो भी स्किप हो गया DO हो गया उसको ड्यू चार्जेस के साथ में भर देता हूँ तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई उसकी गाड़ी टोल नाके से उठा लिए, अब गाड़ी उठाए तो उठाए, अब क्या बोलते हैं मालूम है कि तुम्हारा जो 4 महीने का 6 महीने का जो पेंडिंग था ना जो DO हो गया उसके ऊपर भी दुनिया भर का ब्याज लगा दिया, तो 4 महीने का अगर 3 या 3,500 से भी देखा जाएगा ना तो एक 12-15 हज़ार का उसका या ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 हज़ार का मतलब बन जाता भाई, 35 हज़ार का उसको फिल्म चढ़ा उसकी फिल्म बना दी यार, उसकी 35 हज़ार की उसकी फिल्म बना दी। अब 35 हज़ार की फिल्म बनाए और जब उसको पकड़े थे ना भाई तो फुल पेट्रोल के साथ में पकड़े थे, जब गाड़ी पैसा वैसा भरने के बाद में जब गाड़ी लेने गए ना तो टाँकी पूरी सफ़ा एकदम साफ। हाँ तो ये सब कांड करते भाई लोग, तो ये ऐसा केस अपना और अपने दोस्त का है। और जितने लोग बनता है फंसे ले ना, ये जो लोन के चक्कर में फंसे ले तुम लोग, जिनका मतलब जो पहले भरते थे अभी नहीं भर पा रहे और ये लोग राख पे राख दे रहे तुमको कि तुमको कोर्ट आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, बंटा मैं क्या बोल रहा हूँ कोर्ट चले जाओ, सही में कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाने पे क्या होने वाला मालूम है, वहाँ जाने का वहाँ जो भी जज साहब जो भी माइलॉर्ड जो भी रहेंगे ना उनके सामने भिखारी बन जाने का, उन्हें साहब मेरा काम धंधा नहीं है, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मैं ऐसा ऐसा इनको पैसा नहीं दे सकता, तो जज साहब बोलेंगे तुम्हारे को कि नहीं तुमको पैसा तो देना ही है, ठीक है तो तभी ना क्या होगा कि जो जज साहब रहेंगे ना जो भी अदालत जो भी कोई भी रहेगा ना वहाँ पे जो भी अथॉरिटी रहेंगी वो भाई तुमको है ना एक छोटा मोटा अमाउंट बांध देंगे, बोलेंगे इतना पैसा तुमको देना है फिलहाल तुम्हारी हैसियत के हिसाब से, ठीक है 1,000-500 कुछ भी हो सकता हो, और ये चीज़ ना इनको मानना ही पड़ेगा, भले तुम पहले 10,000 महीना देते रहेंगे EMI या 8,000 या 5,000 या 3,000, लेकिन अगर जज ने बोल दिया ना कि ये बंदा इसकी हालत ख़राब है इसको नौकरी वोकरी नहीं है ये तुमको सिर्फ 1,000 रुपया महीना देगा तो उनको गांड मारा के तुमसे 1,000 ही लेना पड़ेगा, फिर भले वो 10 साल चलते रहेंगे क्या बोलते हैं, क्योंकि अपने को देने में मुश्किल है ना, तो अपन कम देंगे ना माँ, पहले 3 देते थे अभी 1,000 देंगे तो 2,000 का अपने को फ़र्क गिर जाता ना, पैसा तो अपन देंगे बेचारा आराम का नहीं खाने का अपने को, है ना। तो ये एक आइडिया याद रखो तुम लोग, अगर बोलेंगे ना कोर्ट जाना पड़ेगा चल बोलना वेंचर तू क्या मेरे को लेने आएगा मैं आ रहा बोलना डॉक्यूमेंट उठा के चल देने का कोर्ट, जितनी भी ये कंपनी वाले हैं ना हाँ तुम लोग को बोल रहा सुधर जाओ, ये लोन पैसे का ये सब चस्का देके ना बच्चे लोग को पब्लिक को गरीब लोग को
ये अपना उल्लू सीधा मत करो, समझे क्या? और ये लोग क्या करते हैं, तुम लोग, हाँ तुम लोग लेडीज़ को सामने भेजते रिकवरी के लिए। ज़्यादातर लोग के पास कोई अगर लिया रहेगा, आप लोग तो घर पे आते ना, ये लोग लेडीज़ को लेके आते, क्या बोले तो हाथ नहीं उठाएगा, नहीं तो केस बन जाएगा, या फिर वो गाली देंगी चलेगा। शोभा लड़कों को गाली नहीं देती, मालूम ना वैसा सीन है। तो डरने का नहीं, भेंचोद घर की लेडीज़ को आए करने, बोलना देख कंटाप कंटाप मादरचोद, बिंदास देने का। अपन नहीं मार सकते ना, अपनी लेडीज़ से मार खिलवाने का, खड़ा कर देने का सपोर्ट में, बोलने का जैसी कुछ गड़बड़ करी भेंचोद घुस के देने का। हाँ जेंट्स लोग हाथ नहीं उठाने का, माँ थोड़ा गलत बात है, क्योंकि क्या नेचुरली क्या है, मदर नेचर ने अपना पावर अलग बनाया ना, अपना एक पड़ेगा तो भेंचोद फिर कल उठेंगी, फिर वो मतलब नहीं उसका, एक दिन का ड्यूटी खराब हो जाएगा। तो ये संबंध देगा जेंट्स लोग हाथ नहीं उठाने का, लेडीज़ को आगे करने का। अगर वहाँ से लेडीज़ आती ना रिकवरी के लिए घर पे, तो यहाँ से लेडीज़ भेज देने का, मजबूत गाली देने का, मजबूत कंटा बिंटा देने का, पुलिस विलिस का कुछ टेंशन ही लेने का क्या? क्योंकि ये लोग है ना हरामीपना ऐसा करते, तुम्हारे को देंगे 10,000 ना, तो तुम्हारे से 50,000 खींचने की कोशिश करेंगे, और एक तो तुम्हारे को तुम्हारे से पैसा भी लेंगे, और तुम्हारा सिविल स्कोर भी ख़राब कर देंगे, सिविल स्कोर की भी माँचोद देंगे, ताकि तुम आगे है ना भेजोद किसी और कंपनी के पास जा ही ना सको। और इन इन फ्यूचर है ना, मतलब यही लोग तुमको ऑफर देंगे, बोलेंगे देखो आपका सिविल स्कोर ख़राब है, आप पूरी दुनिया घूम लो, भेंचोद कोई लोन नहीं देगा, हम ही तुमको वापस दे रहे, हमारे पे हमारी मेहरबानी मानो। अबे लौड़े तुम लोग ही तो ये सब करवा रहे, समझ रहे, ये इन लोग की पॉलिटिक्स है, तो इससे थोड़ा बच के रहना, और हो सके तो लोन लेना ही नहीं भेंचोद। अच्छा अभी आखिर में एक सीरियस बात बोलता हूँ, गौर से सुनने का, ये जितना भी लोन का पैसा आ रहा ना हमारे देश में अपने पास बैंकों में, ये ना बनता ये कंपनियों का पैसा नहीं है। ये लोग क्या करते ऐसा फाइनेंस करवाते दूसरों से और अपने को देते, यानी ये लोग थर्ड पार्टी जैसा काम करते, और इनडायरेक्टली जहाँ तक मेरी नॉलेज ये पैसा ना आरबीआई से आता, और आरबीआई क्या बोलता मालूम, सतर्क रहने का, जितना पैसा तुमको ज़रूरत है ना उतना ही लेने का, और मतलब जितना तुमको ज़रूरत है उतना ही लो। अगर तुमको कोई 50,000 का लोन दे रहा और तुमको ज़रूरत है 30,000 की ना, तो तुम 30 ही लेने का, 50 दे रहा हो लेकिन आप बोलने अपने को नहीं चाहिए, क्यों मालूम है? क्योंकि वो अमाउंट का ईएमआई भी बढ़ा रहेगा जो अपन पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आरबीआई क्या बोलता है, जितना ज़रूरत है उतना ही पैसा लो। बात आरबीआई क्या बोलता मालूम माँ, कि जो भी पैसा तुम लोग लोन में ले रहे ना, उसको खा खुजा बत्ती खुजा मत करो, समझ गए क्या? मतलब तुम लोन पे ले रहे पैसा, और कुछ भी शॉपिंग कर ले रहे, नहीं तो कुछ भी खरीद ले रहे, कुछ बेफालतू का चीज़ ले रहे, ऐसा मत करो। हाँ अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उस पर तुम स्पेंड कर दो पैसा, और अपनी सैलरी वैलरी पगार विगार में से ना वो भर देने का बराबर, नहीं तो ना क्या करने का सबसे अच्छा, वहाँ से पैसा लेने का, यहाँ इन्वेस्ट करने का, दिमाग चलाने का, पैसे से पैसा बनाने का, ब्याज पे दे दो या कुछ भी काम धंधे में लगा दो किसी के, है ना। जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा ना वहाँ से पैसा लेने का, वही प्रॉफिट को यहाँ ईएमआई घुमाने का, तुम्हारा जो ये ईएमआई ले ला जो मुद्दे ले वो वहीं का वहीं है, जब ईएमआई फिटिंग हो जाएगा वहाँ ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन पैसे से पैसा बन सकता, तो कोशिश ये करने का कि जो भी लोन लेंगे उसमें पैसे से पैसा बनाने का, और अपने देश को भी अपना जो भी पैसा अपन लेते वो बराबर दे देने का, ठीक है। ये अपने लिए ये कायदा याद रखना, इसको मत भूलना। तो ये पैसा आरबीआई से आता, गवर्नमेंट से आता, ये झाटू लोग नहीं देते, ठीक है, या फिर ये किसी से ले लेते, किसी बड़ी कंपनी से, किसी बड़े सेठ वेठ से जैसे, और अपने को फाइनेंस करवाते, समझ गए। तो ये चीज़ का दिया। तो बस दोस्तों यही रिक्वेस्ट आई थी कि अपने कुछ दोस्त परेशान थे, मैं खुद भी परेशान हूँ इन लोग से लोन वीन लेके ये सब। खैर मेरा तो फिटूम हो गया अभी, थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो लोग ऐसा परेशान है ना, तो उन लोग को मैं समझ सकता हूँ, और अगर कुछ बोलना है, कुछ अगर जानकारी देनी है आप लोग को, तो वो आप लोग मेरे को दे दो, ठीक है, कमेंट्स वगैरह में, मैसेजेस वगैरह में, जैसा भी आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो। और जो मैं ये लोग जो जितने भी लोग इस चीज़ में फंसे लेना परेशान है ना, तो उन लोग के लिए मैं दुआ करूँगा कि उन लोग का जल्दी से जल्दी मतलब कर्जा वर्जा चुक जाए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देने का, बवाल मचा देने का एकदम, क्या बहुत बहुत प्यार बनता है।